हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम इस बहुत ही कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं और क्या होता है उसका मीनिंग, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अब अगर देखिए, जैसे सपोज कोई वर्ड है, नाउन है, जो कि कोई नाम है, अगर उस नाम के बदले अगर हम कहीं कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। कैसे? सपोज कहीं लिखा हुआ है, हरी इज़ अ डॉग, हरी ऑल्सो हैज़ अ हॉर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हरी को दो बार लिखने की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि हरी हैज़ अ डॉग एंड ही ऑल्सो हैज़ अ हॉर्स। यहाँ पे जो हमने ही लिख दिया ना हरी की जगह, वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ही इज़ प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ नाउन हरी। ठीक है, तो हमने हरी की जगह पे एक वर्ड यूज़ कर दिया जो कि हमारा प्रोनाउन कहलाया। आगे देखते हैं, प्रोनाउन होते कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउन कह देते हैं। देखिए, ही शी इट वी दे, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, बेसिक प्रोनाउंस होते हैं ये हमारे। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी हम किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं, इट हम नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, वी हम एक ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं बल्कि, जिसमें वी यानी कि एक मैं भी हो। ठीक है, मतलब मैं हूँ, आई, एंड मेरे कोई फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, तो हम उस पूरे ग्रुप को हम वी का नाम दे देंगे। और दे यानी कि वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ वो मैटर नहीं करता। अब सेंटेंस के बाद में भी कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हिम, हर, इट्स, अस, देम, देयर। ये ऊपर वाले ही प्रोनाउंस से मिलकर बने हुए हैं। ही से मिलके बना है हिम, शी से मिलके बना है हर, इट से इट्स, वी से अस, दे से देम और देयर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, बट मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए ये टॉपिक डाला है जो लोग अभी भी, जिन्हें थोड़ी सी बेसिक प्रॉब्लम होती है चीज़ों में, कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ डाली गई है और एक रिवीजन पर्पस से डाली गई है। तो देख लेते हैं एक बार, ही हैज़ अ बॉल, तो यहाँ पे ही जो हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया, उसके पास एक बॉल है। ठीक है, अगर इसकी जगह हम कोई नाम लिख देते तो वो नाउन हो जाता, पर हमने नाम यूज़ नहीं किया है तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, वी हो गया। दे आर कमिंग टू आर होम, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है, तो दे और आर, ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं हमारे प्रोनाउन हैं। वी विल कॉल देम टू आवर पार्टी, ओके, तो वी विल कॉल देम टू आवर पार्टी, ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं हमारे प्रोनाउन हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ ज़्यादा ही टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनको ज़िंदगी भर लोगों को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, याद करने में, समझने में, और इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कभी नहीं हो पाते, तो इनको वन बाय हम अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग गाइज, कीप लर्निंग। थैंक यू।